हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ज्योग्राफिकल है। आज के इस वीडियो में हम लोग ह्यूमन रेसेस यानी कि मानव प्रजातियों के बारे में पढ़ेंगे, उनकी डेफिनेशन, कैरेक्टरिस्टिक्स और क्लासिफिकेशन। सो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं एक कोट यहाँ पर मेंशन करना चाहूँगा। नो टू ह्यूमन बींग्स आर एग्जैक्टली अलाइक बट ऑल ह्यूमन बींग्स आर अलाइक इन मैनी एस्पेक्ट्स। मतलब कि कोई भी दो इंसान, कोई भी दो ह्यूमन बींग्स, कोई भी दो मानव एकदम एक जैसे नहीं हो सकते हैं और ना ही होते हैं, लेकिन सारे ह्यूमन बींग्स, ऑल ह्यूमन बींग्स, सब के सब ह्यूमन बींग्स बहुत सारी चीज़ों में, बहुत सारे एस्पेक्ट्स में एक जैसे होते हैं। सो ये कोट आप अपने आंसर्स में कोट कर सकते हो। डेफिनेशंस ऑफ रेस, यूनेस्को जो कि एक यूनाइटेड नेशंस की प्रीमियर एजेंसी है, जो कि एजुकेशन, साइंटिफिक और कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन है, जो ये रेस को डिफाइन करती है वो इस प्रकार करती है कि रेस इज़ अ ग्रुप विच शेयर्स इन कॉमन अ सर्टेन सेट ऑफ इननेट फिजिकल कैरेक्टर्स एंड जोग्राफिकल ओरिजिन विद अ सर्टेन एरिया। तो ये बोलते हैं कि रेस इज़ अ ग्रुप, रेस एक समूह है जिसमें कुछ फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब वो कैरेक्टरिस्टिक्स जो हम लोग देख सकते हैं, जैसे हाइट, कलर, हेयर्स, ओके, आइज़। तो ये कुछ वो कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं जो फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं जो हम लोग को मिलती हैं। और इनेट मतलब होता है जो हमको नेचुरली मिलती हैं, जो हमारी इनबॉर्न है, ठीक है। वो एक जैसी होती हैं उस ग्रुप में, मतलब एक ऐसा ग्रुप ऑफ पीपल जिसमें कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स, मान लो हाइट, उस ग्रुप में वो हाइट एक जैसी है। बॉडी कलर, तो उस ग्रुप में वो बॉडी कलर एक जैसा है, ओके। और वो एक सर्टेन जोग्राफिकल ओरिजिन के हैं, एक पर्टिकुलर जोग्राफिकल एरिया से वो बिलोंग करते हैं और एक सर्टेन एरिया में है। सो बेसिकली यूनेस्को क्या कहता है कि रेस इज़ एक ऐसा ग्रुप जिसमें एक कुछ फिजिकल क्वालिटीज़ मैच करती हैं सब सारे लोगों में और वो एक पर्टिकुलर जोग्राफिकल एरिया को बिलोंग करते हैं। क्रोबर एक बहुत ही फेमस एंथ्रोपोलॉजिस्ट थे जिन्होंने ये बताया है रेस इज़ अ बायोलॉजिकली इनहेरिटेड पॉसेसिंग। वो बायोलॉजिकल टर्म यूज़ करते हैं, वो कहते हैं कि रेस वो चीज़ है जो कि हम लोग बायोलॉजिकली इनहेरिट करते हैं अपने पेरेंट्स के थ्रू या अपने एंसेस्टर्स के थ्रू। वो बोलते हैं डिस्टिंक्टिव कॉम्बिनेशन ऑफ फिजिकल ट्रेट्स। फिजिकल ट्राइट्स एक ये जो ग्रुप में होते हैं, जो लोग होते हैं, इसमें फिजिकल ट्राइट्स मतलब कैरेक्टर्स, वो सेम होते हैं, ओके। और जो कि जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसफ़र होते रहते हैं। सो उन्होंने बेसिकली ये बताया कि रेस एक ऐसा टर्म है, रेस एक ऐसा बायोलॉजिकली इनहेरिटेड टर्म है, बायोलॉजिकली इनहेरिटेड ग्रुप है जो कि हम लोग को जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसफ़र हो रहा है और हम लोग को मिला है और वो वैसे ही ट्रांसफ़र होता रहेगा। सो ये बेसिकली रेसेस की डेफिनेशन थी। अब कुछ 3 से 4 पॉइंट्स रेस से रिलेटेड। एंटायर ह्यूमन बींग्स हैज़ वन ओरिजिन एंड ऑल मैन आर होमो सेपियंस। सारे ह्यूमन बींग्स का एक पर्टिकुलर ओरिजिन है और वो सभी होमो सेपियंस हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ रेसेस इज़ सोलली बेस्ड ऑन फिजिकल ट्रैट्स। फिजिकल ट्रैट्स बेस्ड है, इसमें कोई भी मेंटल इंटेलेक्चुअल रिलेशन नहीं है इसका, ठीक है। कि ये ज़्यादा इंटेलिजेंट है, इनकी ज़्यादा इंटेलेक्चुअल है तो ये इस रेस से है कि इनका अलग रेस है, ऐसा कुछ भी नहीं है। सिर्फ फिजिकल ट्रेट्स यानी कि जो तुमको नेचुरली मिलते हैं, जो हमको नेचुरली मिलते हैं, हाइट है या बॉडी कलर है या हेयर टेक्सचर है या ब्लड ग्रुप है, इन सब चीज़ों पे ही रेस बिलोंग करती है। इसका कोई मेंटल और इंटेलेक्चुअलिटी पे कोई भी वो रिलेशन नहीं है। डिफरेंसेस दैट एग्जिस्ट बिटवीन फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैन आर ड्यू टू बोथ हेरिडिटी अनबाउंड। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यही कहता है कि जो डिफरेंट रेसेस के ग्रुप हैं, जो डिफरेंट मैन हैं, डिफरेंट ग्रुप्स हैं रेसेस के, उनमें जो डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो ड्यू टू 2 रीजंस हो सकते हैं, या तो इन्वायरमेंटल रीजंस की वजह से या हेरिडिटी। हेरिडिटी मतलब जो हम लोग अपने जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसफ़र करते हैं, ओके। सो इसके बाद हम लोग देखते हैं ऑरिजिन ऑफ रेसेस। ऑरिजिन ऑफ रेसेस बहुत सारी थ्योरीज़ हैं जो ओरिजिन ऑफ रेसेस को बताती हैं कि रेसेस का ओरिजिन इससे हुआ था, लेकिन मैं आपको जो कि अफ्रीकन थ्योरी है, मोनोसेंट्रिक थ्योरी, मतलब जो ये मानती है कि सारी रेसेस का ओरिजिन अफ्रीका से स्टार्ट हुआ था, तो मैं आपको उस थ्योरी का थोड़ा ब्रीफ बारे में बताऊंगा। टेलर ने भी अपनी ओरिजिन थ्योरी दी है। ग्रिफिथ टेलर ये मानते हैं कि जितने भी रेसेस का ओरिजिन है वो मिडिल ईस्ट एशिया में हुआ था, ओके। वो मानते हैं कि सारा रेसेस का ओरिजिन इस एरिया में हुआ था, लेकिन ऐसा है बहुत सारे जोग्राफर्स, बहुत सारे एंथ्रोपोलॉजिस्ट ने अपनी रेसेस की थ्योरी दी है सो मैं आपको मोनोसेंट्रिक थ्योरी यानी कि जो अफ्रीका की थ्योरी है वो बताता हूँ। सो बेसिकली ये माना जाता है कि जो फर्स्ट ह्यूमन्स थे वो अफ्रीकन्स थे, अफ्रीका में रहने वाले थे और वो भी नॉर्थ ईस्ट अफ्रीका, मतलब ये वाला पोर्शन। और ये 130,000 ईयर्स अगो की बात है। और जब ये रह रहे थे तब इंटरग्लेशियल पीरियड चल रहा था। इंटरग्लेशियल पीरियड मतलब कि एक ऐसा पीरियड जिसमें अर्थ के टेम्परेचर्स कंपैरेटिवली वार्म होते हैं। इंटरग्लेशियल पीरियड के बाद आइस एज आती है, फिर एक इंटरग्लेशियल पीरियड आता है, फिर आइस एज आती है। सो बेसिकली 2 आइस एज के बीच में एक इंटरग्लेशियल पीरियड होता है। तो अभी जो हम लोग रह रहे हैं 2020 में, ये भी एक इंटरग्लेशियल पीरियड का पार्ट है जो कि होलोसीन इंटरग्लेशियल पीरियड का पार्ट है। मतलब होलोसीन इंटरग्लेशियल पीरियड चल रहा है और 2020 भी उसी का पार्ट है। और जो होलोसीन इंटरग्लेशियल पीरियड है वो 11,700 साल पुराना है, अभी इंटरग्लेशियल पीरियड ही चल रहा है। सो ये माना जाता है कि फर्स्ट ह्यूमन्स अफ्रीकन्स से नॉर्थ ईस्ट अफ्रीका में आए थे। उसके बाद ये जो अफ्रीकन्स हैं ये नॉर्थ ऑफ यूरोप में स्कैंडिनेविया की तरफ माइग्रेट करने लगे। स्कैंडिनेविया मतलब ये ऊपर वाला पोर्शन, नॉर्थ यूरोप। उसके बाद फर्स्ट ग्रुप यहाँ माइग्रेट किया, सेकेंड ग्रुप इंडिया की तरफ माइग्रेट किया जो अभी प्रेजेंट का इंडिया है। इंडिया पहुँचने के बाद कुछ लोग इंडिया में रुके और कुछ लोग इंडिया से ये फार ईस्ट मतलब चाइना वाले पोर्शन में माइग्रेट कर गए। और कुछ लोग फिर से चाइना में रुके और कुछ लोग इधर ऑस्ट्रेलिया वाले पोर्शन में माइग्रेट कर गए। सो ये बोला जाता है माइग्रेशन अफ्रीका से स्टार्ट हुआ था। फिर 85,000 ईयर्स के बाद कुछ ट्रांसफॉर्मेटरी चेंजेस हुए, लेकिन ये ट्रांसफॉर्मेटरी चेंजेस अफ्रीका में जो लोग रह रहे थे उसमें नहीं देखे गए। वो चेंजेस सिर्फ यूरोप में, इंडिया में, बाकी जहाँ जहाँ लोग माइग्रेट कर रहे थे वहाँ के टेम्परेचर कंडीशंस के हिसाब से उनके अंदर ट्रांसफॉर्मेटरी चेंजेस देखने को मिले। अब वो ट्रांसफॉर्मेटरी चेंजेस क्या थे कि उनका कलर पेल हो गया था, आइज़ का कलर चेंज हो गया था, नोज़ का टेक्स्चर नैरो हो गई थी और हेयर्स कर्ली या ब्लॉन्ड जैसे भी हो गए थे। सो ये चेंजेस देखने को मिले। सो फिर क्या हुआ, धीरे धीरे इंटरग्लेशियल पीरियड ख़त्म होने लगा और ऐसे ही जाने लगी, ठंडा पड़ने लगी। तो यहाँ के जो लोग थे वो और भी इधर सदर्न यूरोप में माइग्रेट होने लगे और एशिया के लोग और भी जगह माइग्रेट होकर चले जाने लगे। अफ्रीका से और लोग माइग्रेट होने गए। सो बेसिकली माइग्रेशन के थ्रू जो इंटर रेशियल मिक्सिंग हुई कि इस रेस का इंसान इस रेस से मिक्स हुआ, उसकी वजह से एक नई रेस का डेवलपमेंट हुआ। सो इसलिए बेसिकली जितने भी माइग्रेशंस हुए अफ्रीका से दूसरे पार्ट्स में, फिर वहाँ से और लोग माइग्रेट करके गए, वहाँ इंटररेशियल मिक्सिंग हुई, उसकी वजह से नए रेसेस का होता गया इजाद और नई नई रेसेस बनती गई। सो बेसिकली ये ऑरिजिन ऑफ रेसेस थी जो कि मोनोसेंट्रिक थ्योरी यानी कि सारी रेसेस का ऑरिजिन अफ्रीका से हुआ है। फैक्टर्स अफेक्टिंग रेस एवोल्यूशन। रेस एवोल्यूशन के कुछ 4 फैक्टर्स हैं जो कि माने जाते हैं कि इनकी वजह से रेस अफेक्ट होती है। पहला क्लाइमेट चेंजेस। ये माना जाता है कि क्लाइमेट बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है रेस के एवोल्यूशन में। जैसे मैंने बताया कि जब अफ्रीकन्स जो थे वो यूरोप के नॉर्थन पार्ट में गए तो वहाँ टेम्परेचर ठंडा था, उसकी वजह से उनका क्या हुआ, ट्रांसफॉर्मेटरी चेंजेस हुए। उनके कलर वाइट हो गया, उनके हेयर टेक्सचर ब्लॉन्ड हो गया, आइज़ का कलर चेंज हो गया। सो क्लाइमेट चेंज की वजह से, वेदर चेंज की वजह से जो रेसेस में उनका ट्रांसफॉर्मेटरी चेंजेस देखे गए। सो क्लाइमेट चेंज प्लेज अ की रोल इन द फॉर्मेशन ऑफ अ डेफिनेट रेस। सेकेंड इज हार्मोनल चेंज। हार्मोनल चेंज मतलब जो हमारी बॉडी से हार्मोन्स निकलते हैं वो भी एक पर्टिकुलर जगह पे हो सकता है ज़्यादा निकलें। मान लो कि अफ्रीका में जो ग्रोथ हार्मोन्स हैं वो ज़्यादा निकलते हैं, इसलिए वहाँ पर लोगों की हाइट ज़्यादा होती है। सिमिलरली यूरेशिया में, यूरोप में ग्रोथ हार्मोन्स और अदर जो बॉडी बिल्डिंग हार्मोन्स होते हैं उनका सिक्रेशन कम होता है, इस वजह से वहाँ, और ये सिक्रेशन वहाँ के जोग्राफिकल लोकेशन और जोग्राफिकल क्लाइमेटिक कंडीशंस पे डिपेंड करता है। सो बेसिकली हार्मोनल चेंजेस भी डिफाइन करते हैं कि कितनी हाइट होगी, कितनी उसका ब्लड ग्रुप होगा, कैसा क्या ब्लड ग्रुप होगा। सो ये सब हार्मोनल चेंजेस हैं। थर्ड इज़ बायोलॉजिकल म्यूटेशन। म्यूटेशंस मतलब होता है कि डीएनए में एक सडन चेंज आ जाना, ओके, कि और ये सडन चेंज बहुत सारी चीज़ों की वजह से हो सकता है, पोल्यूशन की वजह से, क्लाइमेटिक चेंजेस की वजह से, या चेंज हो सकते हैं। ये बायोलॉजी का टॉपिक है तो इससे मैं ज़्यादा फोकस नहीं करूँगा। बायोलॉजिकल म्यूटेशंस की वजह से भी रेसेस का जो चेंज होता है वो हो सकता है। म्यूटेशंस पे तो बहुत सारी मूवीज़ बनी हैं, जैसे कि एक्समैन सीरीज़ है पूरी, वो टोटल म्यूटेशन पे ही बनी है। फोर्थ इज रेशियल मिक्सिंग थ्रू माइग्रेशन। रेशियल मिक्सिंग थ्रू माइग्रेशन ये मैंने अभी आपको बताया पिछले, जब ऑरिजिन ऑफ रेसेस बता रहा था मैं, कि टोटल ज़्यादातर जितनी भी रेसेस का हुआ है एवोल्यूशन, वो रेशियल मिक्सिंग के थ्रू ही हुआ है। एक रेस के कुछ लोग दूसरी रेस में माइग्रेट होके गए, वहाँ पर उनका मिक्सिंग हुआ और उसकी वजह से एक नई रेस डेवलपमेंट हुआ। सो ये चार फैक्टर्स बेसिकली थे हमारे जो अफेक्ट करते हैं रेस एवोल्यूशन के लिए। क्लासिफिकेशन ऑफ रेसेस, कूवियर ने जो रेसेस का क्लासिफिकेशन किया था वो बेसिस ऑफ स्किन कलर किया था। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और यूनिवर्सली में ज़्यादातर जितना भी रेशियल डिस्क्रिमिनेशन या रेशियल क्लासिफिकेशन होता है वो कलर के बेसिस पे ही होता है बेसिकली। सो जो कुवियर थे उन्होंने 3 टाइप की रेसेस बताई, नीग्रोइड यानी कि जो ब्लैक्स, यानी कि ये जो मैंने फिगर बना रखी है दे रखी है, मंगोलाइड्स मतलब येलो जो कि एशियन पीपल होते हैं या अमेरिकन, और वाइट्स मतलब यूरोपियंस। सो वाइट्स को हम लोग कॉकोसाइड्स भी कहते हैं। सो जो कुवियर का क्लासिफिकेशन था वो 3 था, ऑन द बेसिस ऑफ स्किन कलर, नीग्रोइड, मंगोलाइड एंड कॉकोसॉइड। हैडन्स क्लासिफिकेशन ऑन हेयर टेक्सचर, उन्होंने हेयर टेक्सचर के हिसाब से 3 क्लासिफिकेशन किए। पहला है उलोट्रिची, जिसमें फ्रीजी या कर्ली हेयर्स देखे जाते हैं, लियोट्रिची जहाँ पर स्ट्रेट हेयर्स होते हैं, और सीमोट्रिची जहाँ पर वेवी हेयर्स होते हैं। तो ये इन तीनों क्लासिफिकेशंस के एक फ़ोटो है जिससे आपको आसानी से समझ में आ जाए। टेलर यानी ग्रिफिथ टेलर ने सिफेलिक इंडेक्स यानी कि हेड इंडेक्स की, आपका हेड साइज़ क्या है उसके ऊपर क्लासिफिकेशन किया। तो उन्होंने टोटल 6 रेसेस बताई, ओके, जिसमें जिनको उन्होंने सिफेलिक इंडेक्स बताया और हैबिटेट बताया कि लेट अल्पाइन मंगोलियन कहाँ रहते थे, स्विस एल्प्स टू मंचूरिया, ऑस्ट्रेलॉइड्स कहाँ रहते थे, मार्जिनल रीजन्स ऑफ पेनिनसुलर इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया, निग्रिटोज कहाँ रहते हैं, इनएक्सेसिबल फॉरेस्ट ऑफ साउथ ईस्ट एशियन अफ्रीका। सो टेलर ने ये टोटल बताया कि पर्टिकुलर रेस सिफेलिक इंडेक्स के अकॉर्डिंग और वो उनका हैबिटेट कहाँ पर है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रेसेस, देखिए कैरेक्टरिस्टिक 2 टाइप की होती हैं, एक होती है फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक और एक होती है, फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक में 2 टाइप की होती हैं, एक होती है सुपरफिशियल और एक होती है स्ट्रक्चरल। सुपरफिशियल मतलब जो हम लोग ऊपर से देख सकते हैं, जैसे कि हेयर कलर, बॉडी कलर, ओके, आई का कलर, और जो स्ट्रक्चरल या इंटरनल होती है उसका मतलब जैसे कि ब्लड ग्रुप, क्रेनियल कैपेसिटी, ये सब क्या है हमारी इंटरनल कैरेक्टर्स, उनको हम लोग एक एक करके देखते हैं। स्किन कलर, इसका मैंने क्लासिफिकेशन आपको पहले ही बताया, कुवियर ने किया था, नीग्रोइड, मंगोलाइड और कॉकोसाइड का। फिर कलर एंड टेक्सचर ऑफ हेयर्स, ये हैडन ने क्लासिफाई किया था, उलोट्रिची, लियोट्रिची, सिमोट्रिची, इसके बारे में मैंने आपको भी बताया। उसके बाद कलर एंड शेप ऑफ आइज, कलर ऑफ आइज इज अमंग द कॉकोसाइड इज लाइट ब्राउन, अमंग द मंगोलाइड्स आई कलर इज डार्क ब्राउन, एंड अमंग द निग्रोइड्स आई कलर इज ब्राउन टू ब्लैक। सो डिफरेंट रेसेस में डिफरेंट आई कलर्स भी देखने को मिलते हैं, और जैसे कि इसमें लिखा है कॉकोसाइड में लाइट ब्लू टू डार्क ब्राउन होता है, मंगोलाइड्स में ब्राउन टू डार्क ब्राउन और निग्रोइड्स में ब्राउन टू ब्लैक। उसके बाद बॉडी स्टैचर, बॉडी स्टैचर का मतलब होता है बॉडी का हाइट कितना है। तो टोपिनार्ड एक एंथ्रोपोलॉजिस्ट, जिन्होंने 4 टाइप के बॉडी स्टैचर बताए, टॉल स्टैचर जिनकी हाइट 170 सेंटीमीटर से अबव एवरेज, जिनका हाइट 165 सेंटीमीटर से 170 सेंटीमीटर, बिलो एवरेज 160 सेंटीमीटर टू 165 सेंटीमीटर, एंड स्मॉल स्टैचर अंडर 160 सेंटीमीटर। बट ये माना जाता है, स्टडी से सजेस्ट करती हैं कि जो 95% ऑफ वर्ल्ड की पॉपुलेशन है वो 150 सेंटीमीटर टू 165 सेंटीमीटर की हाइट के रेंज में रहता है, ओके। तो ये चौथी कैरेक्टरिस्टिक थी जो कि बॉडी स्टैचर है, ये भी एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक है, इसको हम लोग देख सकते हैं। ब्लड ग्रुप, ब्लड ग्रुप है जो कि एक इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक है। ब्लड ग्रुप 4 कैटेगरीज का होता है, A, O, B एंड AB। कॉकोसाइड में माना देखा गया है कि फ्रीक्वेंसी ऑफ A इज़ मोर देन B, मंगोलाइड्स में देखा गया है कि फ्रीक्वेंसी ऑफ B इज़ मोर देन A, एंड निग्रोइड्स में फ्रीक्वेंसी ऑफ A एंड B आर इक्वल, मतलब जितने वो पाए जाते हैं उतने ही वो भी बी भी पाए जाते हैं। नेसल इंडेक्स, नेसल इंडेक्स रिफर्स टू द साइज ऑफ नोज, नाक का साइज़ कितना है इसके अकॉर्डिंग भी रेसेस का डिफिनेशन होता है। नेसल इंडेक्स का कैलकुलेशन ब्रेथ ऑफ नोज अपॉन लेंथ ऑफ नोज इनटू 100, ये विथ है, ये डायग्राम रिप्रेजेंटेशन है, ये हाइट, इनको डिवाइड करके हम लोग 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो नेसल इंडेक्स आ जाता है। सिफेलिक इंडेक्स वही इंडेक्स है जिसके बेसिस पे टेलर ने अपना क्लासिफिकेशन किया था। सिफेलिक इंडेक्स रिफर्स टू द शेप एंड साइज ऑफ हेड। सिफेलिक इंडेक्स इज इक्वल्स टू विड्थ ऑफ हेड अपॉन लेंथ ऑफ हेड इनटू 100, मतलब विड्थ मतलब सर की चौड़ाई अपॉन सर की लंबाई इनटू 100। अगर सिफेलिक इंडेक्स 78.5 से कम है तो लॉन्ग हेड है। अगर सिफेलिक इंडेक्स 78.6 से 82.5 तक है तो मीडियम हेड है, और अगर सिफेलिक इंडेक्स 82.5 से ज़्यादा है तो ब्रॉड हेड है। सो ऑर्बिटल इंडेक्स, ऑर्बिटल इंडेक्स का मतलब होता है इट रिफर्स टू द शेप एंड साइज ऑफ, यहाँ पर हेड लिखा है बट नो, इट रिफर्स टू शेप एंड साइज ऑफ आइज। आँखों का जो वो होता है सॉकेट, उसका शेप और साइज के हिसाब से होता है। तो ऑर्बिटल इंडेक्स का फॉर्मूला क्या होता है? ऑर्बिटल हाइट इंटू ऑर्बिटल विड्थ। सो ऑर्बिटल हाइट मतलब जो आँखों का सॉकेट है उसका हाइट और आँखों का जो सॉकेट है उसका विड्थ। सो ऑर्बिटल इंडेक्स के हिसाब से जो ये पाया जाता है लार्ज ऑर्बिटल इंडेक्स या इंटरमीडिएट या मीडियम या स्मॉल ऑर्बिटल इंडेक्स। सो लार्ज ऑर्बिटल इंडेक्स येलो रेसेस में देखा गया है, और मीडियम जो ऑर्बिटल इंडेक्स है वो वाइट रेसेस में देखा गया है, और जो स्मॉल ऑर्बिटल इंडेक्स है वो ब्लैक रेसेस में देखा गया है। सो ये ऑर्बिटल इंडेक्स मतलब जो हमारे आई सॉकेट होता है जिसमें हमारे आईज होती हैं उसका इंडेक्स क्या है, ये आप फिगर में देख सकते हो, ये हमारा ऑर्बिटल इंडेक्स डिफाइन करता है। क्रेनियल कैपेसिटी, क्रेनियल कैपेसिटी का मतलब होता है क्रेनियम, क्रेनियल मतलब होता है स्कल, स्कल की कैपेसिटी मतलब हमारे हेड की कैपेसिटी कितनी है, कितना चीज़ हमारा हेड बाहर उठा सकता है। क्रेनियल कैपेसिटी इज द मेजर ऑफ वॉल्यूम ऑफ इंटीरियर ऑफ द स्कल ऑफ वर्टिब्रे ऑफ दोज वर्टिब्रेज हु हैव अ ब्रेन। जिनके पास, जिन ऑर्गेनिजम्स के पास ब्रेन होता है उनका स्कल कितना वॉल्यूम स्टोर कर सकता है। सो यही होता है क्रेनियल कैपेसिटी। क्रेनियल कैपेसिटी का जो यूनिट होता है वो क्यूबिक सेंटीमीटर होता है। द वॉल्यूम ऑफ द क्रेनियम इज यूज्ड एज अ रफ इंडिकेटर ऑफ द साइज ऑफ द ब्रेन, एंड दिस इज टर्न इज यूज्ड टू रफ इंडिकेटर ऑफ द पोटेंशियल इंटेलिजेंस ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। सो क्रेनियल कैपेसिटी बेसिकली जो वॉल्यूम ऑफ क्रेनियम है, कितना स्कल हमारा स्टोर कर सकता है, वो ब्रेन का साइज डिफाइन करता है कि ब्रेन कितना बड़ा है, और उसी की वजह से कहीं ना कहीं बताया जाता है कि पोटेंशियल इंटेलिजेंस कितना पोटेंशियल है उसके अंदर, ये कितना इंटेलिजेंस है वो भी ऑर्गेनिज्म में बताया जा सकता है। क्रेनियल कैपेसिटी को आप टेस्ट कैसे करते हैं? हाउ क्रेनियल कैपेसिटी इज टेस्टेड? क्रेनियल कैपेसिटी इज ऑफन टेस्टेड बाय फिलिंग क्रेनियल कैविटी विद ग्लास बीड्स। ग्लास बीड्स को अंदर भर करके क्रेनियल कैपेसिटी को टेस्ट किया जाता है। पहले वो ग्लास बीड्स भरी जाती हैं, फिर उनकी वॉल्यूम मेजर की जाती है, कितनी वॉल्यूम उस स्कल में आ रही है, और बाय सिटी स्कैन इमेजिंग। ये सब ग्लास बीड्स वाले मेथड्स पहले यूज़ किए जाते थे। अब जब से ये मॉडर्न टेक्नोलॉजीज आ गई हैं, सी टी स्कैन, MRI, तब से सी टी स्कैन यूज़ करके हम लोग क्रेनियल कैपेसिटी मेजर कर सकते हैं। लास्ट कैरेक्टरिस्टिक इज विद ऑफ जॉस। विद ऑफ जॉ मतलब जो हमारा जबड़ा होता है, जॉ होता है, उसका कितना विद है। तो इसमें आप देख सकते हो वाइट कॉकोसाइट का जॉ लेंथ, मंगोलॉइड का जॉ लेंथ और ब्लैक निगोरॉइड का जॉ लेंथ। सो ये विद ऑफ जॉज भी कहीं ना कहीं एक रेस को डिफाइन करता है, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रेस होती है। सो ये टोटली क्लासिफिकेशन ऑफ रेसेस और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रेसेस था। ये वीडियो बिल्कुल भी रेसिज्म को सपोर्ट नहीं करता है, मैंने आपको पहले भी डिस्क्लेमर दिया था। सिंपल ये एजुकेशन पर्पज़ के लिए था, बिकॉज कोर्स में पूछा जाता है रेसेस का क्लासिफिकेशन और रेसेस का कैरेक्टरिस्टिक्स। तो इसी बात में मैं नेल्सन मंडेला, जो कि साउथ अफ्रीका के बहुत जाने माने प्रेसिडेंट थे, उनका मैं एक कोट करना चाहूँगा। नो वन इज़ बॉर्न हेटिंग अदर person because of the color of his skin or his background or his religion. People must learn to hate, and if they can learn to hate, they can be taught to love. For love comes more naturally to human heart than its opposite. So कहने का मतलब ये है कि racism जैसा ये सब बस मानी गई चीज़ें हैं। जब आप दूसरों को नफरत कर सकते हैं तो उससे ज़्यादा अच्छा है कि आप लोगों को प्यार करना सीखो। Spread love. Don't discriminate on the basis of color. किसी को भी color, उनके religion या उनके इंटेलेक्ट या उनके बैकग्राउंड पे डिस्क्रिमिनेट करने से कोई फ़ायदा नहीं है। उनका नॉलेज लेवल ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि वो क्या कर सकते हैं, उनकी स्किल कितनी अच्छी है। सो किसी एक पर्सन को उनके कलर पे डिस्क्रिमिनेट करना, रेसिज्म करना इज़ नॉट गुड। सो मैं भी आप लोगों से ये रिक्वेस्ट करूँगा कि रेसिज्म जैसी चीज़ को सपोर्ट मत करो बिल्कुल भी। जैसे अभी अमेरिका में रिसेंटली ब्लैक लाइव्स मैटर, हैशटैग ब्लैक लाइव्स मैटर का मूवमेंट चला। सो दीज आर नॉट गुड थिंग्स, सोसाइटी में बहुत सारा इम्पैक्ट पड़ता है इससे। सो दिस वॉज द वीडियो गाइज, वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू फॉर वॉचिंग। कनेक्ट टू माई सोशल मीडिया थ्रू इंस्टाग्राम, जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। थैंक यू, एंजॉय।